हिमाचल प्रदेश की ऊपरी भाग में सफ़ेद चादर बिछ चुकी है। लाहौल स्पीति किन्नौर में बर्फ लगभग 5-5 फीट जमा हो चुकी है। इस बर्फ को लेकर जो स्थानीय प्रशासन है, वहाँ के लोकल लोग हैं, काफ़ी परेशान हैं और इस बर्फबारी से यहाँ पर मैदानी इलाकों में भी इसका असर हुआ है। इस वक्त लाहौल स्पीति में क्या हालात हैं, लोग वहाँ पर अपने जीवन यापन के लिए क्या क्या संघर्ष कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश है हमारी ये अगली रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में लगातार 3 दिनों से बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे बागवानों और किसानों का इंतजार खत्म हो गया तो वहीं बर्फबारी का इंतजार कर रहे सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर लाहौल स्पीति जिले में हो रही बर्फबारी से 165 सड़कें ठप पड़ी हैं। चंबा में 52 सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हुई तो इसी तरह राज्य में 1800 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़ने से कई इलाकों में अंधेरा पसर गया। भारी बर्फबारी से लाहौल घाटी देश दुनिया से पूरी तरह कट गई। जिले के उदयपुर, अटल टनल, रोहतांग, यंगला, सिसु, तिंदी, बुजुर्ग, हिकीम, स्पीति समेत विभिन्न क्षेत्रों में 4 इंच से लेकर अधिकतम 2.5 फुट तक बर्फबारी हुई है। वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही बर्फबारी के चलते डीडीएमए केलांग से खबर आई कि वहां कॉमिक हिकीम रोड पर कुछ पर्यटक और एक वाहन फंस गया। इस सूचना के मिलने के बाद थाना प्रभारी काजा अपनी टीम के साथ तुरंत प्रभाव से मौके की ओर रवाना हुए। फंसे हुए पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया और सभी को सुरक्षित रूप से कॉमिक गाँव पहुँचाया गया। सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से अपने वाहनों में फंसे हुए लोगों का पता लगाकर उन्हें बचाने का काम किया जा रहा है। हमारे लाहौल स्पीति में हर जगह 2-2 से 3-3 फुट बर्फबारी हुई है। उदयपुर सब डिवीजन हो गया या केलोंग में और इवन काजा में भी स्नोफॉल काफी रहा है, जिसके कारण हमारे जो मेजर रोड्स हैं वो क्लोज्ड हैं। तो इसमें मैं लोगों से मेरी तरफ से यही रहेगा कि कृपया करके जो भी अनावश्यक ट्रैवल ना करे और ज़रूरी हो तभी ट्रैवल करे और 4x4 व्हीकल से ही ट्रैवल करे, क्योंकि स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो हमने जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्कूल, ITI हो गए, उनको हमने 2 दिन के लिए बंद कर दिया है और हमारा जो रोड ओपनिंग का कार्य है वो चला हुआ है, जिसमें हमारे जो PWD के डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दिया गया है और साथ साथ जो हमारे एक्शन IPH हैं वो भी, जल शक्ति डिपार्टमेंट भी लगे हुए हैं कि लोगों को कोई पानी की समस्या ना आए। साथ साथ जो बिजली विभाग है वो भी, जहां भी बिजली की थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है उसको भी लगे हुए हैं कार्य करने के लिए। लाहौल स्पीति प्रशासन लगातार सैलानियों को ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना के चलते जाने से बचने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ उत्साहित सैलानी जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई एडवाइजरी को अनदेखा कर रहे हैं और अब हिमस्खलन के खतरों को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से भी भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूर्य समाचार के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल की रिपोर्ट।